नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर शहर में शनिवार से जारी तनाव को लेकर है। सोमवार की सुबह नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक के समीप बरगद पेड़ के नीचे अवस्थित बजरंगबली की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने विखंडित कर शहर के सौहार्द को फिर एक बार बिगाड़ने का प्रयास किया है। प्रतिमा विखंडित करने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, आक्रोशित लोगों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क जाम कर दिया। सूचना पर कई थाना की पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया, बाद में काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। किसी तरह वहां से भीड़ को तितर बितर किया गया। साहिबगंज में एक बार फिर से आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। प्रतिमा विखंडित किए जाने वाले स्थान पर पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज की सहायता से प्रतिमा खंडित करने वाले की पहचान की कोशिश में जुटी है। यहां बता दें कि शनिवार की देर रात चैती दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी शहर के कुलीपड़ा कृष्ण नगर मोहल्ले में पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन काफी चौकस थी। शहर की स्थिति सम्मान हो ही रही थी कि इसी बीच सोमवार की सुबह बजरंग बली की प्रतिमा विखंडित करने की घटना प्रकाश में आने के बाद फिर एक बार साहिबगंज शहर का माहौल बिगड़ गया। प्रशासन की कोशिश से स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। साहिबगंज में अफवाह पर विराम लगाने को लेकर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मौके पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी ने बताया कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्टार अभी तक चैनल भी आप लोगों से आग्रह करती है कि किसी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। विखंडित प्रतिमा को फिर से ठीक कर दिया गया है। प्रशासन के सहयोग से बजरंग बली की प्रतिमा को पहले जैसी स्थिति में कर दिया गया है। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज में कुछ कुछ आ रहा है, अभी पिक्चर साफ नहीं है, जिसमें बजरंग दल और शहर के आम गणमान्य लोग जो है उनका ये कहना है कि जिसके द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। उसके लिए उन्होंने आवेदन दिया है, आवेदन को ले लिया गया, उसकी जाँच कर जो भी दोषी होगा उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जो मूर्ति अभी है डिफेक्ट, उसको ठीक करा दिया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ेगा तो बगल में कोई नया मूर्ति के लिए स्थापना कर दी। आज सुबह पटेल चौक के पास एक छोटा हनुमान मंदिर है, उसमें मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कुछ असामाजिक तत्व द्वारा किया गया है। उसमें सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गया है, उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके रिटर्न करने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। जिला प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई लोग खिलाफ करेगा। पुणे सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है, पूरे जिलावासियों से निवेदन है, शांति पूर्ण माहौल में जो कार्य करें वो करते रहें और सौहार्द को ना बिगाड़ें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिला प्रशासन हमेशा आपके इस सहयोग के लिए आभारी रहे। थैंक यू।